नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और वो सेशन है कि भैया आपका JEE का एग्जामिनेशन है साल 2024 का, और वो अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अब इस एग्जामिनेशन में आपके लिए क्या अलाउड है और क्या नॉट अलाउड है, और ये जानना इसलिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन ये खबरें आपने देखी होंगी न्यूज़पेपर्स में, टीवी एजेंसीज में, कि सेंटर पे जाने के बाद बच्चों को पता चला ये नॉट अलाउड था, ये नॉट अलाउड था। और कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो बहुत ही ज्यादा बेसिक होती हैं। मतलब आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, कुछ एक दो साल पुरानी न्यूज है, कि नीट के एग्जामिनेशन में बच्चों के अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए गए थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, कि भैया रूल में ये अलाउड नहीं है, हमने लिखा था बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीजें कोई इंसान रैंडमली अपने आप से नहीं कर देता, क्योंकि किसी को भी अगर बोला जाएगा कि यार किसी बच्चे के अंडरगारमेंट्स उतरवाने हैं तो बड़ा इनह्यूमन सा खुद से फील होता है, जो इन्विजिलेटर होता है उसको भी। बट इन्विजिलेटर ये काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अदरवाइज कोई भी इन्विजिलेटर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जिससे उसको पता है कि बच्चों का काफी बैकलैश आएगा या बच्चा काफी ज्यादा इसके लिए विद्रोह करेगा। तो हेंस ऐसे विद्रोह की समस्या बने ही ना और ऐसी सिचुएशन में आप पड़े ही ना, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या कैरी करना है और क्या कैरी नहीं करना है। अब ध्यान देने वाली बात यही, देखो कैरी करने वाली जो चीजें हैं वो बड़ी सिंपल होती हैं, क्योंकि कैरी करने वाली जो चीजें हैं ना उन सबका लिस्ट NTA ने पहले से दे दिया है। वो पूरी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, वो लिस्ट सारी चीजें आपको रखनी है, वो बड़ा सिंपल सा है, 5-7 आइटम्स का है, दैट्स इट। सबसे बड़ा जत्था कहां आता है, अवॉइड करने वाले में। क्यों? क्योंकि जो कैरी करना है वो तो NTA ने बता दिया, बट जो कैरी नहीं करना है वो तो बताया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो पूरी दुनिया है। अब क्या पूरी दुनिया में कुछ भी कैरी नहीं करना है? जैसे NTA ने नहीं लिखा है कपड़े पहन के जाने, तो क्या कपड़े पहन के जाने या बिना कपड़े के जाने? अब भाई ये तो कॉमन सेंस है, कोई भी इंसान बोलेगा कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो, कपड़े तो पहन के जाने हैं। लेकिन अब फिर बात है, अच्छा कौन से कपड़े पहनने कौन से नहीं पहनने। अब चलो मान लो कोई एक ऐसा इंसान गया जो गया, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, माथे में ऐसा गमछा बांध लिया, ऐसा पूरा बड़ा सा कंबल लपेट लिया और ऐसे चल दिया एग्जाम देने, तो क्या उसको जाने देंगे? नहीं भाई, पता चला अंदर दो चार क्या कहते हैं अनार बम और दो चार ऐसे बड़े वाले आम रख लिए उसने, जिसको फेंकने पे RDX बूम ऐसा होता हो, तो भाई उसको नहीं जाने देंगे। तो hence there are certain rules and regulations। तो भाई ऐसा भी नहीं कह सकती कि हर कपड़ा अलाउड है, कुछ अलाउड है कुछ नहीं अलाउड है। अब पता कैसे करें कि कौन कपड़ा अलाउड है कौन नहीं अलाउड है, और क्या ये पाबंदी सिर्फ कपड़ों पे है या कुछ और पे भी हो सकती है? तो हेंस यहां पर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट में मतलब मैं जो लाया हूं वो भी लिस्ट काफी लंबी है, बट वो लिस्ट को बनाने के पीछे का क्या मानसिकता रहा है, क्या माइंडसेट है, और NTA क्या कहता है आपको, क्या कहता है कि भाई कैसे आपको समझना है कि ये अलाउड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट बनानी तो नामुमकिन है। तो आज इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही बताऊंगा कि आपको अवॉइड क्या करना है, क्योंकि अवॉइड वाला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर खास ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद बड़ी दिक्कतें आते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो क्या सोल्यूशन रहेगा वो भी मैं बताऊंगा, बेस्ट तो ये होता है साथ में किसी को लेते जाओ, पता चला कुछ भी उतरवा दिया NTA वालों ने। अब कुछ भी उतरवा दिया तो अब उतार के कहां रखें? समोसे वाले के पास दोगे, अब समोसा वाला उसको सही से रखेगा कि नहीं रखेगा या खुद ही इस्तेमाल कर जाएगा, कौन जानता है। तो इससे बेहतर है कि किसी को लेकर जाओ, भले मम्मी पापा भाई बहन कोई ना कोई तो चल ही देगा। तो चलो खैर जोक्स अपार्ट शुरू करते हैं, व्हाट टू कैरी व्हाट नॉट टू कैरी। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और एट द सेम टाइम मैं कहूंगा ये सेशन अवेयरनेस का सेशन है। इस सेशन के थ्रू मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा हूं और बच्चों को ज्यादा जागरूक और इन्फॉर्म्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जिम्मेदारी मेरी तो है ही है, बट मेरे साथ साथ ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप ये जागरूकता अपने आसपास सबको फैलाएं। तो आपके जो भी दोस्त यार साथी संगी हैं जो जाने वाले हैं या जिनके बच्चे जाने वाले हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों की और मदद करने के लिए दो चीजें की है। पहला तो जितने भी टेस्ट PDF असाइनमेंट्स जितने भी कंटेंट हैं जो वेदांतों में हम लोग फ्री दे रहे हैं बच्चों को, वो सारे कंटेंट का पूरा जत्था मतलब पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप में से जिसको भी जो भी चीज की आवश्यकता हो, मतलब मेरा इतना भरोसा है कि ऑलमोस्ट 90% आपके जरूरत की सारी चीज मैंने यहां डाल दी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ये जो सेशन PDF है और नीचे जितने भी लिंक्स रहेंगे उस पे से क्लिक करके आप अपने जरूरत का सामान ले सकते हैं। बस आपको वेदांतु का लॉगिन होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं होगा लॉगिन तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेदांतु लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब
टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिएगा, बिकॉज इस पे कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपडेट देता रहता हूं, और आपके लिए अभी अपडेट जानना सुपर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएंगे। क्लियर? चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 7 दिन का मॉक टेस्ट वगैरह ये मैंने डाल दिया, ये सब कुछ डाला है, मॉक टेस्ट, PYQ, माइंड मैप, बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं। अब ये नोटिस निकला था 18 जनवरी 2024, आज का ये नोटिस निकला है। क्या? कि भैया पेपर आपका जो होगा सुबह 9 से 12 होगा पहला शिफ्ट, और दूसरा 3 से 6। अब 9 से 12 वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 9 से 12 में ना काफी कड़ाके की ठंड होगी बहुत सारे जगहों में। खासकर अगर मैं नाम लूं तो जैसे दिल्ली हो गया, बहुत ठंड चल रही है। थोड़े और ऊपर चले जाते हैं, पंजाब हरियाणा वाला रीजन हो गया, या जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, इन सारी जगह सेंटर्स पड़े हुए हैं। इन सारी जगहों पे सुबह 9 बजे के टाइम पे आप जब निकलेंगे घर से, तो आप ऑब्वियसली शायद 8 बजे निकलेंगे। 8 बजे भयंकर धुंध, भयंकर कोहरा रहता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, कई जगह बर्फबारी हो रही है। इसके लिए आप बहुत सारे कपड़े पहनकर जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा क्या लेकर जा सकते हैं, क्या नहीं लेकर जा सकते हैं, और किन इलाकों में क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बताऊंगा अभी। आपका 27 तारीख से बीटेक वालों का पेपर है, और 24 तारीख से बी आर्क वालों का पेपर है, बी आर्क और बी प्लानिंग वालों का। तो ये नोटिफिकेशन तो आ चुका है। अब 27 जनवरी, तो अब आप तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, तो सबसे पहली चीज, आपके पास एक हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए एडमिट कार्ड की, विद सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आपका नीचे में अपना साइन रहता है कि हाँ भैया सारी चीजें मेरी सही है। अब यहां पे बच्चों का पहला डाउट आता है, क्या ये कलर में प्रिंट आउट कराना आवश्यक है या विदाउट कलर भी करा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कलर्ड फोटो रहे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस क्या लिखा हुआ है इनके ब्रोशर में, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, और पहला है प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का एक अलग दूसरा पेज आएगा, जहां पे आपका नीचे में साइन रहता है कैंडिडेट्स फोटो, आपको अपना फोटो चिपकाना होता है, अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, और आपको अपना साइन करना होता है पेरेंट का और आपका साइन। तो ये सारी चीजें पढ़ के, साइन करके, फोटो चिपका के, अंगूठा लगा के रखिएगा, क्योंकि ये मांगा जाएगा। ठीक, यहां कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट से भी चल जाएगा। ये पहला इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्म में आपको लगाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे वही फोटोग्राफ का इस्तेमाल कीजिएगा जो आपने ऑनलाइन में अपलोड किया है, और उसी की कॉपी निकलवा के रखिएगा, क्योंकि जब मैं फॉर्म भर रहा था तब भी मैंने ये वीडियो बनाया था कि जो फॉर्म में भर रहे हो उस फोटोग्राफ का बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज अपने पास रखना। तो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहां लगाने के लिए, सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान रखिएगा, यहां पे कई सारे बच्चों को डीबार कर दिया जाता है। मान लो आपने फॉर्म में भरा कि आपके बाल हैं, और बाद में मतलब बीच में कुछ ऐसा हुआ, घर में किसी का देहांत हो गया, आपने बाल हटा लिए। अब अगर आप बाल हटा लिए हो और आपने फोटो बाल हटाया हुआ लगा दिया, और वो दोनों फोटो मैच नहीं कर रहा है, इनविजिलेटर इतना पेन नहीं उठाएगा कि आपका पूरा बाकी सब चेक करे, दिक्कत हो सकती है। ऐसा मत कीजिएगा, फोटोग्राफ सेम रखिएगा। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड पेस्टिंग द स्पेसिफाई, और हाँ एक फोटो चिपकाना है, एक फोटो हर हाल में अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा। मान लीजिए फोटो में कुछ दिक्कत हो गई, या फोटो बीच में उखड़ गया, या फोटो पे मतलब फोटो फट गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आपके पास फोटो रहे, बाद में आपको बीच में भागा दौड़ी ना करना पड़े। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, एनी वन ऑथराइज फोटो आईडीज, यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज समझिए। जैसे आधार कार्ड सबसे वाइडली एक्सेप्टेड होता है, वाइडली बच्चों के पास होता भी है, तो आप आधार कार्ड रख लीजिएगा। अब यहां पे एनी वन ऑफ द ऑथराइज फोटो आईडीज मस्ट बी ओरिजिनल, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आधार कार्ड वगैरह क्या होता है ना, कि आधार कार्ड का पीडीएफ कॉपी भी मिलता है, मतलब जनरली क्या होता है आधार कार्ड जब आप बनाओगे तो उसमें ऑप्शन रहता है कि ऑनलाइन ले लो, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं। अब जब आपको ऐसे टाइम पे चाहिए तो लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के ले जाते हैं, भले कलर प्रिंट आउट ले जाओ, बट अगर आपने पेपर पे उसका प्रिंट आउट निकलवाया है उसको वैलिड ओरिजिनल आईडी नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैलिड ओरिजिनल आईडी नहीं माना जाएगा। तो आपके पास आधार कार्ड, कार्ड वाला टाइप का होना चाहिए, नहीं तो एक आधार का पूरा एक बड़ा सा ऐसा मतलब पूरा प्लास्टिक वाले पेपर टाइप पे, फोटो पेपर पे ऐसा प्रिंट होकर आता है, तो या तो वो ओरिजिनल ले जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप भले कुछ और लेते जाइए, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कुछ भी और लेते जाइए, बट ऐसा लेकर जाइएगा जिसपे डाउट ना हो। जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो एयरपोर्ट पे मैं काफी ट्रेवल करता हूँ, तो एयरपोर्ट पे भी ओरिजिनल आईडी दिखानी होती है, तो मैंने एक बार पैन कार्ड दिखाया। मेरा पैन कार्ड क्या था, पैन कार्ड में आपको पता होना चाहिए, पैन कार्ड का डुप्लीकेट बनाना आज के डेट में सबका डुप्लीकेट बनाना पॉसिबल है, जिसमें भी चिप नहीं लगा हुआ है, स्मार्ट चिप होता है ना, अगर चिप नहीं लगा हुआ है तो सबका डुप्लीकेट आप बना सकते हो।
तो पैन कार्ड में भी जनरली चिप नहीं लगा रहता है, तो उसका डुप्लीकेट बन सकता है। तो मैंने पैन कार्ड दिखाया वो मैडम को एयरपोर्ट पे, और मेरा पैन कार्ड क्या है, मैंने पैन कार्ड बनवाया था 2008 में मैंने पैन कार्ड बनवाया। 2008 से अभी तक यार बहुत टाइम हो गया ना, मतलब 15 साल हो गए। तो 15 साल में वो पैन कार्ड फट फुट गया बहुत सा। तो मैडम ने देखा उसको और मैडम ने बोला नहीं ये ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है, आपने इसका कॉपी बनवाया। अब मैंने जितना भी उनको बोल लिया कि मैडम ऐसा नहीं है, शी डिड नॉट बिलीव एंड एक्चुअली आई हैड टू प्रोड्यूस अनदर आईडी। तो आप ऐसे अवस्थाओं में ज्यादा बहस करने की स्थिति में नहीं होते। अब जैसे मेरा फ्लाइट डिले हो रहा है, अब मैं वो सरकारी अधिकारी से बहस करके करूंगा क्या? वो मानेगा नहीं, चाहे आप जो कह लो। अब वो अब उसके सीनियर को बुलाओ, ये करो वो करो फलाना ढमकाना, बट दे वोंट अग्री। हेंस यू शुड यू मस्ट कैरी 2-3 आईडी कार्ड जरूर लेकर जाइए, ठीक है? ये मेरा सजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, वैसे एक बात बता दो चैट बॉक्स में, जरा लिख के बता दो तुम सारे लोग के पास, सारे बच्चों के पास कितने आईडी कार्ड है? मतलब सबके पास बस एक ही है आधार, या फिर आधार भी है, पैन भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्योंकि बहुतों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, कुछ के पैन नहीं होते। तो क्या क्या आईडी है, तो जरा मैं भी एक बार देख लूं। मैं बता तो रहा हूं तुम्हारे पास आधार तो होगा सबके पास, वो मेरे को लग रहा है बेसिक है, बट आधार के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या और क्या क्या है, या कुछ भी नहीं है? तो नो वाले कोई बच्चे हैं तो लिख दो नो, आधार कार्ड के अलावा कुछ भी और नहीं है, तो मैं देख लूं कि आधार की संख्या क्या है। अच्छा सर्वेश कह रहा है आधार, पैन और ड्राइविंग, एपीडी। अच्छा आदर्श बोल रहा है एक ही है, एक ही है उत्तरी। भैया जो जो बच्चे एक ही है बोल रहे हैं, सिर्फ आधार ओनली उत्तरी, ठीक है? फिर ओनली आधार लेकर जाइएगा, ऊपर वाले की दया, शायद कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ओनली आधार है, अगर ओनली आधार है तो आधार बस ओरिजिनल लेकर जाइएगा भाई, ठीक है? सारे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे मेरे को, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ओनली आधार है, सिर्फ आधार ही है उनके पास और कुछ नहीं, ठीक है? तो अगर ओनली आधार है तो सिर्फ आधार लेकर जाइएगा, ओरिजिनल लेकर जाइएगा, ठीक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार के अलावा किसी के पास कुछ है तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेके जाओ। अब एक आध दो बच्चे बोल रहे हैं नथिंग, अब नथिंग है तो फिर तो तुम फॉर्म कैसे भरे? बिना आधार के तो फॉर्म भी नहीं भरा रहा था, आधार तो जरूरी है। अब नेक्स्ट इज, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार शायद मेरे को दिखा पहली बार, या शायद पिछले बार होगा, मैं इसे ध्यान से छूट गया होगा। इस बार इन्होंने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मांगा है, मतलब अगर कोई भी ऐसा बच्चा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी ऐसा बच्चा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसे अपना सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस करना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है? तो आप पीडब्ल्यूडी का अगर कोई भी बच्चा है तो वो अपना सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करेगा, और आपको ये सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका डिटेल मैं बता चुका हूं, नहीं हो तो ब्रोशर डाउनलोड करके देख लीजिएगा भाई। गजटेड डॉक्टर होना चाहिए, उसका सील साइन दोनों होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए उस डॉक्टर का, वो सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपके लिए अनिवार्य है जो बच्चा जिसके पास डिसेबिलिटी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेन ऐसी ही अलाउड है, इसके अलावा और कोई पेन अलाउड नहीं है। मैं अभी इस पे आगे डिटेल में नॉट अलाउड में बात करूंगा, बट ध्यान रखिएगा अगर आप पेन ले जा रहे हैं तो मान लीजिए ऐसी पेन है, ये पेन आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेन ग्रे कलर की है, नॉट ट्रांसपेरेंट, ओनली ट्रांसपेरेंट पेन्स आर अलाउड, ओनली ट्रांसपेरेंट मतलब अंदर बाहर सब कुछ दिखना चाहिए, इसके अलावा और कोई पेन अलाउड नहीं है, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज, कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए अलाउड है कि वो शुगर टैबलेट्स ले जा सकता है या फ्रूट्स ले जा सकता है, लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी इस टाइप का, लेकिन वो बच्चा कोई भी पैक्ड फूड आइटम नहीं ले जा सकता, मान लो चॉकलेट, सैंडविच या टिफिन बॉक्स, ऐसा कुछ नहीं ले जा सकते। ऐसी चीजें जो दिख जाए मतलब, अब जैसे सेब है, अब सेब के अंदर कोई चीट तो नहीं घुसाएगा, सेब है तो है, अब कोई घुसा ले अलग बात है, या ऑरेंज है तो अब संतरे के अंदर कोई चीट घुसाएगा, ऐसा होगा नहीं। तो हेंस ये खाने पीने की आइटम होगी, ले जा सकते हैं जो डायबिटिक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका डायबिटिक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ये भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल डॉक्टर के द्वारा बनाया हुआ, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें ले जाना अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है, ठीक बात? यहां तक समझ गए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। बस लास्ट के मैंने दो स्पेशल केसेस बताए हैं, एक स्पेशल केस अगर पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर अगर कोई इंसान को, कोई बच्चे को डायबिटीज है तो वो अपने खाने का आइटम लेके जा सकता है। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं व्हाट्स नॉट अलाउड। और हाँ, अच्छा एक और चीज, आपको एग्जामिनेशन हॉल में रफ शीटें दी जाएंगी, इस पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रफ शीटें दी जाएंगी, वो एक टाइप का बुकलेट होगा जिसके अंदर 6 पन्ने होंगे, 6 पेजेस, यहां कहीं लिखा भी हुआ था, हाँ, बुकलेट विथ 6 रफ शीट, 6 पन्ने होंगे। अब यहां पे दो चीजें निकल कर आती हैं।
आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में 6 पन्ने ले जाने दिए जा रहे हैं, मतलब आपको बाहर से कोई भी रफ शीट ले जाना अलाउड नहीं है। ये बात पक्की है, रफ शीट बाहर से अलाउड नहीं है। ठीक, अब मसला ये फंसता है, बच्चे का पहला सवाल ये आता है कि सर जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाऊंगा और मेरे को ज्यादा रफ शीट की आवश्यकता पड़ी तो। अब यहां पे दो सिचुएशंस होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर के इनविजिलेटर्स या एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर्स दे आर अकोमोडेटिव एंड दे मतलब वो थोड़े लिबरल होते हैं, तो वो एक से ज्यादा अगर किसी बच्चे को आवश्यकता पड़ी है दे देते हैं। लेकिन कुछ जगह पे जो इनविजिलेटर्स हैं एकदम कट टू कट रूल पे चलते हैं, उनको बोला गया है एक देने का तो मतलब एक ही देने का, तो उनके सामने तुम नाक रगड़ते रह जाओ वो तुमको शीट नहीं देंगे और ना ही तुमको बाहर से लेने देंगे। तो हेंस ध्यान रखिएगा, आपको पता नहीं आपका सेंटर कैसा होगा, तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आपको 6 पन्ने ही मिलने वाले हैं रफ के लिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस 6 पन्ने में ही आपको अपना रफ कर लेना है, तो रफ शीट्स बाहर से अलाउड नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में सिर्फ 6 पन्ने का एक बुकलेट दिया जाएगा जिस पे रफ करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब थिंग्स नॉट टू कैरी, ये बड़ा सिंपल सा है, अभी इसके और आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी टाइप है, ये सब चीजें मोटा मोटी तुम जानते होगे, कोई भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉट अलाउड है पता होगा, कोई भी ऐसी घड़ी जो घड़ी इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रिकल है वो नहीं अलाउड है, कोई भी रनिंग वाला फास्ट ट्रैक टाइप का वैसा कुछ भी अलाउड नहीं है, सिंपल एनालॉग वॉच होना चाहिए। स्टेशनरी या पेपर कोई बाहर से पेज नहीं ले जा सकते हो, कोई पेन ऐसा जो दिखता नहीं हो अंदर से ओपेक हो नहीं ले जा सकते हो, कार्डबोर्ड यहाँ पे लिख दूं कार्डबोर्ड इज नॉट अलाउड, पेंसिल बॉक्स इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्री बॉक्स नॉट अलाउड है, कोई बॉक्स तो अलाउड ही नहीं है, पर्स वॉलेट हैंडबैग नॉट अलाउड है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे गर्ल्स के लिए कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स डू हैव देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। अब अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ये वाला कंडीशन इन्होंने कवर नहीं किया है, बट उस सिचुएशन में जब कवर नहीं किया है तो रूल बाई डिफॉल्ट बाई रूल आप नहीं लेके जा सकते। बट इफ सम गर्ल कोई ऐसी बच्ची है जिसका ऐसा कोई इशू है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है और 3 घंटे में शी नोस कि शी विल हैव टू चेंज द सैनिटरी नैपकिन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स को जरूर लेकर जाइएगा, या फिर अगर अकेले भी हैं तो यू विल हैव टू टॉक टू द एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है काइंडली अलाउ दिस। बट ये बहुत ही स्पेशल सिचुएशन है, बट मैंने फिर भी बता दिया बिकॉज दिस इज अ हेल्थ सिचुएशन, यहाँ पे आपको खुद से बात करना पड़ेगा बिकॉज बाई रूल इट इज नॉट अलाउड। क्लियर, मूविंग फॉरवर्ड, ईटेबल्स वॉटर टी कॉफी कोल्ड ड्रिंक, आपको ऐसा बोले सर हम पीने के लिए कुछ ले जा रहे हैं सर इसमें कोल्ड ड्रिंक है कुछ भी है, नॉट अलाउड, एकदम डायरेक्टली नॉट अलाउड। ठीक, एनी मेटालिक आइटम, तो वहां पे मेटल डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं मोर और लेस, तो मेटल का कोई आइटम अलाउड नहीं है। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं, और क्या नॉट अलाउड है। सबसे पहले रिंग, ये एक बच्चे ने अभी पूछा था इसी सेशन के चैट बॉक्स में कि सर ये अंगूठियां अलाउड है क्या, अंगूठियां नहीं अलाउड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, मतलब इसके आगे जो मैं बता रहा हूं उसमें एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, वो डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिएगा क्या है। तो डिस्क्लेमर ये है कि बेटा जो जो चीजें अभी इसके बाद मैं बताने वाला हूं या अभी जो बता दिया हूं जो नॉट अलाउड वाला है वो बाई रूल नॉट अलाउड है, अगर रूल के हिसाब से देखोगे तो नॉट अलाउड है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेंटर टू सेंटर एंड पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है, जैसे अगर रूल कहता है कि आप अंगूठी नहीं पहन सकते बट कुछ एग्जामिनेशन सेंटर वाले बोलेंगे यार अब अंगूठी वो पहन रहा है वो बेचारे बच्चे का अपना धर्म है अपनी आस्था है अंगूठी क्यों उतरवाई जाए, तो अगर अंगूठी नहीं उतरवाई जाए तो हो सकता है कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में आपको अंगूठी के साथ भेज दें, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में आपको चेक करेंगे और बोलेंगे सारी अंगूठी उतारी है। क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे का आइडिया समझिए, एनटीए ये कहता है या कोई भी एग्जामिनेशन वाला जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत चीटिंग होने की आशंका बनती है, कोई भी ऐसी चीज अलाउ नहीं की जानी चाहिए जिसके अंदर कोई भी चीटिंग मटेरियल या चीटिंग को सपोर्ट करने के लिए वो डिवाइस या वो चीज इस्तेमाल की जा सके। तो अगर ये अंगूठी है तो अंगूठी के अंदर हाँ कुछ छुपाया जा सकता है, थोड़े बहुत चीट रखे जा सकते हैं, तो हेंस अंगूठी नॉट अलाउड। और अंगूठी की तरह ही कुछ ताबीज हो गया, कुछ ऐसा मतलब होता है कि कुछ हमने पहन लिया जो दिख नहीं रहा, मान लो ऐसा कुछ ताबीज बना हुआ है काले कलर का पोटली है, पोटली के अंदर क्या है कोई नहीं दिख रहा, तो ऐसी चीजें आपको डिसअलाउ कर दी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। बट अगेन सेइंग, हो सकता है सेंटर अच्छा मिल जाए, आपके दोस्त का सेंटर अच्छा हो आपका सेंटर खराब हो, आपके दोस्त के सेंटर में सब अलाउ कर दिया, ना ताबीज उतरवाई ना अंगूठी उतरवाई, बट आपके में सब उतार दिया। अब एक बच्चा पूछ रहा है रुद्राक्ष, तो अब जैसे देखो मैंने भी रुद्राक्ष पहना है, क्या इसमें कहीं भी कुछ छुपा सकते हैं, अब जनरली नहीं छुपा सकते, अब कुछ स्पेशल कोई बना दे इस मोती के अंदर भी छुपा दे तो अलग बात है,
बट जनरली नहीं छुपा सकते, तो इसको अलाउ करेंगे, हाँ कर देंगे, मोटा मोटी कर देंगे, आपको परेशान करने वाला है तो नहीं करेगा, बट इसको कर देंगे। बट अगर तावीज है, तावीज तो भी है, काला कलर का, हरा कलर का, लाल कलर का, जो भी है, अब इसके अंदर क्या है कोई नहीं देख रहा, तो अब इसके अंदर क्या है तो इसको रोक सकते हैं, समझ लो। तो कुछ भी ऐसा जो सस्पिशियस लगे, उसके अंदर क्या है ये नहीं पता हो, तो उस केस में उसको रोक देंगे, ठीक बात। और ये बाय रूल है, ये वो रोक सकते हैं, आप उस पर बहस नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि आप उसको पहले से उतार के जाओ। अदरवाइज लेकर जाना चाहते हो, चांस लेना चाहते हो, तो एग्जामिनेशन सेंटर में अगर रोकेंगे तो बाहर आके मम्मी पापा को दे देना, फिर चले जाना, ये तुम्हारी हो सकती है। आगे मेहंदी, ध्यान रखिएगा, मेहंदी भी बाय रूल नॉट अलाउड है। इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। अब बच्चा सोचेगा सर यहां क्या चीटिंग हो रही है, यहां तो कुछ छुपा भी नहीं रहे, सामने दिखा रहे हैं मेहंदी। मेहंदी को क्यों नॉट अलाउड किया जाता है, अगेन डिस्क्लेमर, हो सकता है कुछ सेंटर में अलाउ कर दें, कुछ सेंटर में रोक दें। बाय डिफॉल्ट क्यों रोकते हैं, अब जैसे मान लो, से फॉर एग्जाम्पल तुम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तुम नागालैंड से हो, मिजोरम से हो, या कहीं से तो हो, या बंगाली बंगाल से हो, और तुम्हारा सेंटर तुमने चूज किया दिल्ली में। अब दिल्ली में जो सेंटर है वहां पे इन्विजिलेटर को बंगाली नहीं आती, या फिर नागालैंड में जो भी भाषा बोलते हैं उनको नहीं आती, बोलने नहीं आती तो लिखने तो और नहीं आती होगी। तुमने क्या किया, मेहंदी के पैटर्न में यहाँ पे कुछ कुछ लिखवा लिया, तो अब मेहंदी के पैटर्न में कुछ कुछ लिखवा लिया तो उनको कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ में एक्चुअली चीट घुसा हुआ है, उनको लगेगा कि हाँ यार ये मेहंदी का पैटर्न है बढ़िया। तो हेंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एंड हेंस मेहंदीज आर नॉट अलाउड इन दीज एग्जामिनेशंस, जनरली नहीं अलाउड होते, ठीक है, समझ गए, समझ गए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मेहंदी ध्यान रखिएगा, कैप, अब इस पे ध्यान से सुनना, कैप हो गया या फिर जैकेट हो गया। अब देखो यहां पे सिंपल सा सबका कंटेंशन आएगा कि सर अब कैप नहीं अलाउड है, हम दिल्ली में हैं, हम जम्मू कश्मीर में हैं, हम चंडीगढ़ में हैं, अब इन जगहों पे ठंड बहुत पड़ रही है, अब ठंड पड़ रही है, आप कैप नहीं अलाउ करोगे तो फिर कैसे हम, मतलब हमको तो ठंड लग जाएगी। बट यहाँ पे वापस से समझिए, जैकेट को इन लोगों ने अलाउ किया है, क्योंकि जैकेट में थोड़ा समझ में भी आता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, कि भैया जैकेट कैसे डिसअलाउ कर सकते हैं हमने, तो भाई पता चला बच्चा ही नहीं पड़ गया, बच्चा गया, खाली टी शर्ट पहना था, जैकेट आपने उतरवा दिया, बच्चा अंदर ही रह गया, बाहर निकल ही नहीं पाया, फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो जैकेट अलाउड है, लेकिन जैकेट को भी वो थरोली चेक करेंगे, अगर जैकेट में ऐसा कुछ सस्पिशियस लगा कि पता चला अंदर 75 पॉकेट है, अंदर अलीबाबा 40 चोर घुसे हुए हैं, पता ही चला गेट के अंदर, गेट पॉकेट के अंदर पॉकेट ऐसा है, तो उतरवा देंगे, तो उतरवा सकते हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांसेस, ठीक है। एंड सिमिलरली इस जैकेट तो चूंकि बहुत बेसिक है और ठंड से बचने के लिए जरूरी है, लेकिन टोपी में कहा जाता है कि यार ऐसा कुछ नहीं कि तुम टोपी ना लगाओ तो जियोगे ही नहीं, या फिर टोपी लगाना इतना जरूरी है। अब मान लो कोई ऐसा है लेह लद्दाख टाइप में, हालांकि लेह लद्दाख में शायद सेंटर नहीं है, बट ऐसी किसी जगह पे हो तुम जहां पे टोपी मैंडेटरी है, तो वहां के इन्विजिलेटर्स भी समझेंगे, प्रोबेबली दे माइट अलाउ, अदरवाइज नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे भी ना कि आपके आपके ज्योग्राफी में टोपी की जरूरत पड़ रही है, आप टोपी पहन के चले जाइएगा, एग्जामिनेशन सेंटर में हटा दीजिएगा, बिकॉज इधर वे अब आपको अंदर जाके एग्जामिनेशन देना है, अंदर में इतनी ठंड लगेगी। और चूंकि मैंने टोपी और जैकेट के लिए इतना आगाह किया है, तो ऐसा मत कर देना कि मफलर बांध के चले जाना, केजरीवाल साहब टाइप का ऐसा होता है, ऐसे ऐसे मफलर बांध लिया, बेटा मफलर तो पहली फुर्सत में भगाएंगे तुमको, मतलब पहली फुर्सत में हटा देंगे, तो मफलर उफलर मत बांध के जाइएगा, ठीक है, वो सब मत कर दीजिएगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है राइटिंग पैड अलाउड है, बिल्कुल नॉट अलाउड है, 100% नॉट अलाउड है, राइटिंग पैड आपको नहीं देंगे, आपको रफ शीट दे ही रहे हैं, क्वेश्चन के लिए कंप्यूटर दिखाई रहे हैं, पेन आपको बोली दिया ट्रांसपेरेंट ले जाने के लिए, अब राइटिंग पैड क्या के लिए चाहिए, हैं कुंडली बनाओगे क्या अंदर किसी का, राइटिंग पैड नॉट अलाउड है। मूविंग फॉरवर्ड, ओपेक वाटर बॉटल, अब जैसे वाटर बॉटल एक सिंपल वाला होता है, वो कहते हैं किनले और बिस्लेरी देखा है, तो बिस्लेरी वाला जो वाटर बॉटल है वो पूरा दिखता है, आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट, ध्यान रखिएगा सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉटल, और हालांकि बाहर से कुछ अलाउड ही नहीं है, तो लेकिन आप ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं, जो बच्चों को कोई दिक्कत भी है ना, या मान लो पानी का बॉटल ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, बट ओनली ट्रांसपेरेंट, ये वाला नहीं ले जा सकते हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है, तो ये नहीं ले जा पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है हैंडकरचीफ, हैंकी में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है, हाँ हैंकी में कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल वो बहुत मोटा हैंकी ना दिखे, ऐसा लगे गद्दा लेके जा रहा है, क्योंकि गद्दे के अंदर बहुत कुछ छुपाया जा सकता है, बट एक कपड़े का हैंकी है, हैंकी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज देखो इस बात को समझना, तुमको कहीं कोई भी चीज पे डाउट हो रहा है सर ये ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, तो इसको ऐसे ही सोचना कि क्या इसमें चीटिंग की जा सकती है, और वो नॉर्मल कंडीशन में, ऐसा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना कि अगर किसी ने ऐसी स्पेशल हैंकी बना दी जिसमें एक लाइट डाले तो कुछ दिखे और ना डाले तो नहीं दिखे,
वो स्पेशल कंडीशन नहीं, नॉर्मल कंडीशन में क्या एक हैंकी का एक कपड़े का टुकड़ा है, कोई भी उस पर चीटिंग करेगा अगर वो साफ प्लेन दिख रहा है तो, नहीं कोई भी सोचेगा भी नहीं चीटिंग का, तो उसको अलाउ कर देंगे। अदरवाइज अगर वहीं पे कुछ ऐसा हो जाए, अब जैसे मान लो जूते या बॉटल, क्या बॉटल में चीट डाला जा सकता है? हाँ डाला जा सकता है, डाला जा सकता है, अंदर तो किसी को दिखेगा दिखेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, तो क्या इसको डिसअलाउ करेंगे या अलाउ करेंगे? डिसअलाउ करेंगे, सिंपल बात, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, कार्डबोर्ड नॉट अलाउड, राइटिंग पैड जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, किसी भी तरीके का सिंपल प्लेन हो तो भी नॉट अलाउड, प्लेन नहीं हो तो भी नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड है। शीट्स, एक्स्ट्रा शीट आपको अलाउ नहीं की जाएगी, वो अंदर देंगे, सिर्फ 6 पन्ने देंगे, 6 पन्ने के अंदर आपको अपना सारा रफ वर्क कर लेना है। क्लोज्ड फुटवेयर, अब ध्यान दीजिएगा इस पे, देखो यार अब यहां पे वापस से कॉन्ट्रोवर्सी आएगी, कॉन्ट्रोवर्सी क्यों? बाई रूल कहा जाता है कि ये नॉट अलाउड है, ठीक है, बाई रूल इसलिए कहा जाता है नॉट अलाउड है क्योंकि इतना क्लोज है। अब अगर कोई बच्चा चाहा या कोशिश किया कि भैया इस जूते के अंदर 10 पर्चे छुपाने हैं, आराम से छुपा सकता है, और कुछ नहीं तो कोई चाह कि भैया इसको काट के अंदर पर्चे छुपाने, वो भी छुपा सकता है। तो हेंस बाय रूल दे हैव डिसअलाउड इट, दे हैव सेड कि यार चप्पल में आएगी। अब लेकिन अगेन वापस से वही पॉइंट आ जाता है, भैया इतनी सर्दी है, दिल्ली की सर्दी, चंडीगढ़ की सर्दी, जम्मू कश्मीर की सर्दी, 5-5 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं जगह तो 2-3 डिग्री है। अब 2-3 डिग्री में बच्चा आए तो आए कैसे चप्पल पहन के? तो अगेन हो सकता है एग्जाम हॉल पे अलाउ कर दे, मेरे को पता नहीं, अगर कर दिया बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं? तो भैया आपके पास सिंपल सा सलूशन है, कुछ ऐसा पहनकर जाइए जो आर पार आराम से दिखता हो, जरूरी नहीं कि वो एकदम 50 रुपए वाली रिलैक्सो और पैरागॉन की चप्पल वही पहन के जाओगे, ऐसा वाला, ये ऐसा ही रहता है ना चप्पल, ये ऐसा टाइप, पता नहीं, हाँ ऐसा सही से बना दिया, ड्रॉइंग अच्छा हो गया मेरा, ये ऐसी वाली चप्पल पहन के जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम कुछ और भी पहन लो, क्लॉग पहन लो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मोजे डाल लो ताकि मोजा तो तुम खोल के दिखा भी सकते हो, मोजे डाल लो कि भैया ठंडा है, बट ऐसे फुटवेयर को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेट्रो कार्ड, अच्छा पूछे हो दक्ष, मेट्रो कार्ड डिसअलाउ तो नहीं करना चाहिए बट शायद अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं अलाउड करूंगा तो शायद ना अलाउ करें, बट अगेन अब जैसे दिल्ली है, जैसे एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा मेट्रो कार्ड अलाउ करेंगे कि नहीं, तो शायद दिल्ली में हर इंसान ही मेट्रो से ट्रैवल करता है तो बिना मेट्रो कार्ड के तो नहीं ट्रैवल करेगा। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो माता पिता के साथ नहीं आया है तो वो बेचारा मेट्रो कार्ड तो रखेगा ना, आप बोले वॉलेट भी नहीं रखना है, तो ऐसी अवस्था में 2 चीजें होती हैं, या तो वो अलाउ कर देते हैं या फिर वो एक प्रावधान बनाते हैं कि भाई हम आपको ये सारी चीजें डिपॉजिट करने के लिए एक डिपॉजिट बॉक्स देंगे, तो वो डिपॉजिट बॉक्स का इंतजाम करवाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप अपनी चीजें यहाँ पे डिपॉजिट करवा दीजिए, ये सब एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं है, आप एग्जाम देकर आइएगा और ये सारी चीजें लेकर जाइएगा, तो ऐसा भी करते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा आपके लिए आपके एग्जाम सेंटर पे, वो जाके ही समझ में आएगा, क्लियर, समझ गए। अब एक बच्चा बोलता है यार कितनी पाबंदियां हैं, अब क्या कर सकते हैं? नाउ अभी मूविंग फॉरवर्ड, इसके आगे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जैसे एक बच्चा तो यहां तक पूछ दिया कि सर दांत में ब्रेसेस लगे रहते हैं वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अब सोच के देखो, छुपाने के लिए तो वहां भी छुपा सकता है कोई इंसान कुछ भी, लेकिन अब वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया ब्रेसेस उतरवाओ, या फिर तुम ब्रेस पहन के चले जाओगे तो पता चला एक मास्टर आया पिलास लेके, प्लायर लेकर, निकाल उसका दांत, तोड़ उसका दांत, आज तो ब्रेसेस निकाल के ही मानेंगे, तो खूनी खेल थोड़ी खेलने वाले हैं, वहां पे एग्जामिनेशन ले रहे हैं भाई, अब ब्रेसेस लगा हुआ है वो तुम्हारे बॉडी का हिस्सा है, ब्रेसेस जब लगते हैं तो भाई साल भर के लिए लगते हैं, 2-3 साल के लिए लगते हैं, अब वो रिमूवेबल नहीं है तो नहीं है, वो लेके ही जाना है तुमको, तो हेंस ऐसी चीजें मत, मतलब अब इसको इतने एक्सट्रीम लेवल पे मत सोच लो कि सब निकलवा रहे हैं, पता चला बच्चा सारा लहू लुहान है, किसी का दांत टूटे हुए हैं, किसी का सर टूटा हुआ है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, दे विल अलाउ, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें होंगी, बस आपको ये ध्यान देना है ऐसी चीजें अलाउड नहीं होंगी जो चीजों में चीटिंग किया जाना मुमकिन है और उन चीजों के बगैर आपका काम अंदर ना चले, ठीक है, ऐसी चीजों को मतलब ऐसी चीजों को ही बार किया जाएगा, जो चीजों के बगैर अंदर काम नहीं चलेगा उसको अलाउ कर देंगे, जिन चीजों में चीटिंग करना मुमकिन है उनको डिसअलाउ कर देंगे। तो आप बस अपने दिमाग में ये डाल के लेके जाइएगा कि भाई हमको ऐसी चीजें नहीं लेके जानी है जिसपे सामने वाला सवाल उठा सके, जैसे अब ये जूता हो गया, इसके पहले हमने वाटर बॉटल दिखाया, ये वाटर बॉटल हो गया, अब इन पे सामने वाला सवाल उठा सकता है, इसमें चोरी की जा सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा अब जैसे सॉक्स विद स्लाइड, सॉक्स मोटा मोटी डिसअलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि ठंडी बहुत है, मोबाइल बिल्कुल हर हाल में डिसअलाउड है। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है पेट्स, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम अपना परिवार लेके चले जाना, ऐसा करना, ये जो बच्चा पूछा ना पेट्स अलाउड है कि नहीं, तुम बेटा मेरा शेर लेकर जाना, कि अगर कोई टीचर कुछ बोले, इन्विजिलेटर बोले चोरी काय कर रहे हो तो अपने शेर को बोलना खा जाओ उसको, ये बेस्ट होगा, न्यूज भी बन जाएगी, फिर मैं ही वीडियो बनाऊंगा
कि देखो एक बच्चे ने ऐसा काम किया, अपने साथ शेर लेकर गया था और उसने मामला सेट कर दिया, ठीक है। बैग नॉट अलाउड, और क्या, सिगरेट्स, बहुत बढ़िया, सिगरेट नॉट अलाउड। मास्क, मास्क अलाउड है, माइंड इट, मास्क अलाउड है, लेकिन वो वहां पे मास्क खोलकर आपको चेक करेंगे, फिर मास्क अलाउड है। और बताइए, सिगरेट नॉट अलाउड। कुर्ती, कुर्ती अलाउड है भाई, अब क्या कुर्ती में क्या, कुर्ती अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। पेंसिल, पेंसिल नहीं, पेंसिल उनसिल नहीं अलाउड होगा, सिर्फ पेन अलाउड है, वो भी ट्रांसपेरेंट। कैश, कैश अलाउड है, कैश वुड बी अलाउड, बिकॉज बहुत सारे लोग अकेले ट्रैवल कर रहे होंगे, बिना कैश के कैसे ट्रैवल करेंगे, कैश वुड बी अलाउड, कैश वुड बी अलाउड। अच्छा, इयररिंग्स, एक अच्छा पॉइंट आया, ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, लड़कियां ध्यान दें, हैवी ज्वेलरी वुड नॉट बी अलाउड। हैवी ज्वेलरी का मतलब क्या, अब देखो मैं ज्वेलरी पहनता नहीं, वो एक्चुअली क्या, आज मैंने कान का और अपने नाक का उतार दिया है, इसलिए मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो जो मेरा कान वाला है ना, जो बहुत हैवी वाला कान वाला आपने देखा होगा, वो जब भी मैं पहन के आता हूँ, तो वैसा हैवी वाला कान वाला अलाउड नहीं है। ऐसी चीजें जिसमें ज्वेलरी में भी कुछ छुपाया जा सके, वुड नॉट बी अलाउड। और वो हैवी चीजें ना दूर से समझ में आ जाती है, अब भाई जाहिर सी बात है, एक छोटी सी बच्ची है, 15-17 साल 18 साल उम्र है, और उसने इतने बड़े झुमके डाल रखे हैं कि चारों तरफ से दूर से ही दिख जा रहा है इसके झुमके हैं भाई, तो वो वाले झुमके उतरवा दिए जाएंगे, समझ रहे हो। अगर नॉर्मल है, छोटा सा आप किसी ने डॉट डाल रखा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जैसे छोटे बच्चे पहनते हैं उतना है, तो नॉर्मल है, जाने देंगे, ठीक है। और क्या, इयररिंग्स, तो मैं वही बोला, इयररिंग्स वगैरह अलाउड है, बट नॉर्मल छोटा हो सके तो उस दिन उतार के ही चले जाना ना, क्या दिक्कत है। जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में कौन सा तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है बेटा, कि मतलब आए हैं लड़के वाले पसंद करने, अगर पसंद कर लिया तो शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना, तो जेई का एग्जामिनेशन है, दैट्स फाइन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे डाउट ले लेता हूँ, ताकि मतलब जो डाउट्स हैं वो थोड़े बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन डाउट्स क्लियर कर पाऊँ बच्चों। अच्छा, ऊपर, अच्छा, पैसा दिया है, बोलो रवि सर, कुछ बोलना चाहते, पढ़ाई वाला कंटेंट था हमारे, हाँ हाँ, अच्छा, ओ भैया, अरे देखें एक मिनट, हाँ भाई, पोनीटेल और ब्रेड, वो बहुत बढ़िया बेटा, पोनीटेल में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लगता आपके बाल काटे जाएंगे एग्जामिनेशन में, बाल में तुम चीट छुपा सकते हो, उसमें बाल काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बेस्ट हाफ पार्ट, बहुत बढ़िया, हाँ, गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स अलाउड है, टिल द टाइम दे डोंट नो दैट दे आर, मतलब शी इज योर गर्लफ्रेंड और ही इज योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हुडीज अलाउड है क्या, नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, हुडीज नहीं अलाउड है, ध्यान रखिएगा। स्वेटर, स्वेटर अलाउड है। फ्रैक्चर, बहुत बढ़िया, फ्रैक्चर को हटाओगे कैसे वही बता दो, अगर नॉट अलाउड कह दूं तुम्हें, हालांकि अलाउड है। सैंडल अलाउड है, until unless it is very closed। जीन्स, विंटर कैप, बिल्कुल। कलावा, देखो भव्या, कलावा अलाउड है, कलावा में दिक्कत नहीं है, कलावा जनरली खोल के जाना चाहिए, क्योंकि कलावे में होता क्या है, अब मान लो तुमने हाथ धोया, ये गीला हो गया, अब गीला हो गया तुम रखे और वहां पे गीला हो गया, तो उससे दिक्कत होती है बस, बाकी ये लोग रोकेंगे नहीं कलावा में। नोजरिंग, नोजरिंग वगैरह अगर छोटा सा है तो अलाउड है, अगर ऐसा तुमने पहन लिया कि सबकी नजर में आ रहा है तो दिक्कत है। स्वेटर अलाउड, पेंसिल नॉट अलाउड, 500 रुपए अलाउड है, एक मिनट रुक जाओ, स्पेक्स अलाउड है। वॉच, वॉच शुड बी सिंपल, नॉर्मल जो घड़ी होती है वो, यार एक मिनट, शायद वॉच भी नहीं अलाउड है, ओ वीर जी, वॉच अलाउड नहीं है ना, वॉच अलाउड नहीं है जहां तक मुझे पता है, हाँ वॉच अलाउड नहीं, कोई भी वॉच अलाउड नहीं है, सिंपल और मतलब स्पेशल, कोई भी वॉच सिंपल कहीं जगह अलाउड है, बट अगेन मतलब देखो सिंपल भी कुछ जगह अलाउड है, कुछ जगह उतरवा देंगे, बेहतर है मत पहन के जाना, क्योंकि तुमको सारा टाइम सिस्टम पे दिखता रहेगा, सो वॉच इज नॉट अलाउड। सर, सिख धर्म में कड़ा एंड स्वॉर्ड कैरी करते हैं, हम क्या उनको अलाउ करेंगे। देख बेटा, जहां धर्म की बात है ना यार, देखो कोई भी नहीं चाहता ना कि पूरा का पूरा मतलब दंगा ही हो जाए, बवाल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो दीज थिंग्स, अब अगर ये रिलीजियस है कि भाई, अब जैसे सिख में 5 चीजें हैं, केश, कंग, कड़ा और कृपाण, तो अब वो कृपाण हटाने नहीं बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बोलना चाहिए ऐसा, तो मतलब मैंने अभी तक नहीं सुना है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो न्यूज बन जाएगा फिर से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हाय सर, माय स्कूल हैज फाइनलाइज्ड द डेट्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इट्स ऑन द मेंस पेपर, सो सर व्हाट कैन आई डू, प्लीज नाउ सजेस्ट मी। स्कूल वालों को बोलो कि भैया डेट चेंज करो, उस दिन जेई का पेपर है। पॉइंटर पेन नॉट अलाउड सर, कैन वी यूज 12th एडमिट कार्ड एज फोटो प्रूफ, नो सर। डीओबी के लिए क्या करें, डीओबी के लिए बेटा तुमको वैलिड गवर्नमेंट आईडी से ही काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। उसके बाद और क्या है, सैंडल्स, सैंडल्स अलाउड है, एक मिनट, वॉच नॉट अलाउड है सर,
एक मिनट रुक जाओ भाई, पिस्टल, हाँ पिस्टल बिल्कुल अलाउड है बेटा। एक्चुअली बोला भी गया है कि पिस्टल लेकर जाइएगा सारे लोग, क्योंकि दो जब सवाल नहीं सॉल्व हो तो दो तीन को ठोक देना वहां पे, या फिर अगर इन्विजिलेटर परेशान करें तो उनको ठोकना अलाउड है, तो पिस्टल लेकर जाइएगा, नो इश्यूज। वॉच नॉट अलाउड, कान की मशीन, सवाल बहुत बढ़िया है बट अलाउड है, कान की मशीन उसके बगैर तुम सुन नहीं पाओगे, हाँ कान की मशीन अलाउड होगी, बट अगेन यार देखो मैं ये कह नहीं सकता यार, अब तुम्हारे डाउट्स भी कितने स्पेशल है, कान की मशीन, अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स सारे हटा देंगे वो लोग वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे हटा देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी हटा देंगे, क्योंकि कान की मशीन तो अलग से दिखती है, और ये बाइफरकेट कर पाना कि ये कान की मशीन है और ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, ये अपने आप में काफी कठिन होगा, तो शायद नॉट अलाउड हो, अगेन एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके पता चलेगा, इतना यूनिक डाउट लाए कहां से। पेन, आधार कार्ड, फोटो, वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट, इज इट ओके सर? हाँ जी बिल्कुल, सिल्वर चेन अलाउड है सर, फट जाए तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हैंडकरचीफ अलाउड है, गांजा, हाँ गांजा भी अलाउड है बेटा, तुलसी माला अलाउड है सर, राखी, राखी शायद नहीं अलाउड होगी, अगर सिंपल होगी एक धागे वाली तो कर देंगे, अदरवाइज थोड़ा तिल तूफानी है तो नहीं अलाउ करेंगे। कैन वी गो वॉशरूम देयर? हाँ जा सकते हैं। कार्गो पैंट्स मोस्ट प्रोबेबली ना कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, या तो चेक करेंगे, बेहतर है सिंपल पहन के जाना भाई, ये कार्गो पैंट क्यों पहन के जाना चाह रहा है, बट फिर भी करने के लिए तो कर देंगे सर। आधार अपडेट नहीं है तो क्या एग्जाम देने मिलेगा, प्लीज रिप्लाई। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज है मतलब देने तो दे देंगे, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक मिनट उसके बाद रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा भाई। कोल्ड ड्रिंक बॉटल नहीं, नॉट अलाउड है। 27 को ये डेट आ गया है, डर लग रहा है, डरो मत। इंजीनियर्स पढ़ लो बस। कैन वी वियर पजामा? हाँ जी पहन सकते हैं, तो और पजामा नहीं पहनो और क्या पहनो, धोती पहन के जाओगे भाई, धोती अलाउड नहीं है। चल भाई तो हिजाब, आई गेस हिजाब मोटा मोटा, हाँ हिजाब वुड बी अलाउड, हिजाब वुड बी अलाउड, हिजाब को डिसअलाउ नहीं करना चाहिए। देखो अभी मेरे को डाउट्स बड़े सारे जेन्युइन दिख रहे हैं, तो आप ऐसा करो ये सारे डाउट्स जैसे ही सेशन खत्म करता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में डाल दो, कमेंट के डाउट्स से मैं बहुत सारे डाउट्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जो जो जेन्युइन दिखेंगे, और कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, आप सारे लोग ध्यान से जाइएगा बस, इस चीज को दिमाग में लेके कि कोई भी ऐसी चीज जिससे चीटिंग हो सकती है उसको डिसअलाउ करेंगे, धर्म से कुछ रिलेटेड है तो शायद ना करें, बट चीटिंग को प्रमोट नहीं होने देना है, ये है उनका उद्देश्य। ठीक है, और ये वाला वीडियो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी जागरूकता बढ़े और उनको एग्जामिनेशन के दिन कम से कम दिक्कत उठानी पड़े। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कॉन्टेंट मैंने डाला है आपके लिए एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इस्तेमाल कीजिए उसका और अपने परफॉर्मेंस को बेटर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लेटे, बाय, गुड नाइट।